देखिए फ्रेंड्स, आज मैंने आलू की लच्छा नमकीन बनाई है जो खाने में बहुत ही टेस्टी होती है और बहुत जल्दी बन जाती है। बच्चों को तो ये बहुत ही पसंद आती है, आप भी एक बार ज़रूर ट्राई करें। रेसिपी बताने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी, प्लीज़ आप मेरी रेसिपी को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और सब्सक्राइब के आगे जो बेल आइकन का बटन है उसे आप ज़रूर क्लिक करें मेरी लेटेस्ट रेसिपी सबसे पहले देखने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। आलू लच्छा नमकीन बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 3 आलू लिए हैं जिनका छिलका उतार के मैंने इनको पानी में डाल दिया है ताकि ये काले नहीं पड़ेंगे। थोड़े से मैंने यहाँ पर ये मूंगफली के दाने लिए हैं, थोड़ा सा मैंने यहाँ पर ये नमक लिया है, थोड़ा सा चाट मसाला, थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर। काली मिर्च की पाउडर की जगह आप लाल मिर्च का पाउडर भी ले सकती हैं, और अगर आप व्रत के लिए बना रही हैं तो आप चाट मसाला हटा दें और नमक की जगह पर यहाँ पर आप सैदा नमक ले लें तो आप व्रत के लिए यूज कर सकती हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक कद्दूकस की सहायता से हम आलूओं को सबसे पहले हम कद्दूकस कर लेंगे। अगर आपके पास इससे थोड़ा सा मोटा कद्दूकस है तो आप वो भी ले सकती हैं। हम इसको पानी में ही कद्दूकस करेंगे ताकि आलू हमारे काले नहीं पड़ेंगे। देखिए हम इस तरह से सारे आलूओं को कद्दूकस कर लेंगे। ये मैंने सारे आलूओं को कद्दूकस कर लिया है, आप देख सकती हैं मैंने इस तरह से इनको कद्दूकस कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, इनको हम अच्छे से धो लेंगे क्योंकि इनमें बहुत सारा स्टार्च होता है। जब भी हम नमकीन फ्राई करेंगे अपनी तो आलू हमारे आपस में चिपक जाएंगे और क्रिस्पी नहीं बनेंगे और इनका कलर भी अच्छा नहीं आएगा, इसलिए हमें इनको 3 से 4 बार तक अच्छे से धोना है। हम इनको निकाल के दूसरे बर्तन में पानी में डाल देंगे इस तरह से। और अब हम इसमें से अच्छे से धो के इनको हम फिर से अच्छे पानी में और निकाल देंगे। ये प्रक्रिया हम 2 से 3 बार करेंगे ताकि सारा स्टार्च इनका निकल जाए और हमारी नमकीन अच्छी बने। आलूओं को मैंने 3-4 बार अच्छे से धो लिया है इनको। अब हम इनको एक बड़ी छलनी में निकाल लेते हैं ताकि इनका सारा पानी इसमें से निकल जाए, और इनको हम 3-4 मिनट के लिए इसी तरह से रखा रहने देंगे ताकि इनका सारा पानी इसमें से निकल जाए। अब हम कोई भी कॉटन का कपड़ा या किचन टॉवल ले लेंगे और उसमें इन आलूओं को इस तरह से डाल देंगे और इनको हम अच्छे से इस पर फैला देंगे और इनको अच्छे से पोंछ देंगे ताकि इनका सारा पानी सूख जाए। इस तरह से हमें इनको अच्छे से पोंछ देना है। मैंने सारा पानी अच्छे से पोंछ लिया है, अब हम इनको फ्राई कर लेते हैं। मैंने गैस ऑन करके आप ऑयल गर्म करने के लिए रख दिया है, ऑयल को अच्छे से गर्म होने देते हैं। ऑयल अच्छे से गर्म हो गया है, अब इसमें अपने लच्छे डाल देते हैं और गैस का फ्लेम हम मीडियम ही रखेंगे और इनको हम तब तक फ्राई करेंगे जब तक इनका कलर गोल्डन ब्राउन ना हो जाए और थोड़े से क्रिस्पी ना हो जाए, जब तक हम इनको लगातार चलाते हुए फ्राई कर लेंगे। आलू हमारे अच्छे से फ्राई हो गए हैं, अब हम इनको निकाल लेते हैं। एक बार के आलूओं को फ्राई करने में 3 से 4 मिनट का टाइम लग जाता है। हम इनको इस तरह से चढ़ाते हुए निकालेंगे ताकि इनका ऑयल इसमें से निकल जाए और इनको हम टिश्यू पेपर पर निकाल लेते हैं। इसी तरह से हम बाकी के बचे हुए आलूओं को भी फ्राई कर लेते हैं और इसी तरह से हम अपनी मूंगफलियों को भी फ्राई कर लेते हैं। इसी में मूंगफली को फ्राई करने में 2 से 3 मिनट का टाइम लगता है। मूंगफली भी हमारी अच्छे से फ्राई हो गई है, अब गैस को हम ऑफ कर देते हैं और इनको भी हम निकाल लेते हैं। ये मैंने सारे आलू और मूंगफली को अच्छे से फ्राई कर लिया है, अब हम इसमें मसाले मिलाएंगे। तो इसमें हम 1 चम्मच काली मिर्च का पाउडर डालेंगे और 1 चम्मच हम इसमें नमक डालेंगे और 1 चम्मच हम इसमें चाट मसाला डालेंगे और इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से इसमें मिक्स कर देंगे। देखिए आप इसकी आवाज़ सुन सकती हैं कितनी क्रिस्पनेस आ रही है, बहुत ही क्रिस्पी नमकीन बनी है। ये हमारी बहुत ही टेस्टी आलू लच्छा नमकीन बनके तैयार है। देखिए कितनी क्रिस्पी बनी है, बहुत ही आसानी से टूट रही है, बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में। आप भी एक बार ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो मेरी रेसिपी को लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। फिर मिलेंगे अगली रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय।